नमस्कार, सुबह सुबह में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रम सदगी। तो बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। आपको बता दें कि आज राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से सिंधिया मुलाकात करेंगे और सीएम शिवराज से भी सिंधिया मुलाकात करेंगे। संविदा में दीपक विस्पुते से भी चर्चा करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से सिंधिया मुलाकात करेंगे, सीएम शिवराज से भी सिंधिया मुलाकात करेंगे। इसी पे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर महीन विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। महीन जी, सिंधिया का दौरा क्या कुछ खास? कुलेराम, सिंधिया का दौरा बड़ा प्रतीक्षा है भाजपा के लोगों को सिंधिया के दौरे की, और उतनी ही जो प्रतीक्षा है वो विपक्ष को भी है, क्योंकि लगातार मेल मुलाकातों का दौर अभी भाजपा में जारी है। सारे बड़े नेता एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। एक कयास लगाए जा रहे हैं कि नगर निकाय के चुनाव हैं या फिर निगम मंडल की नियुक्तियां हैं या अन्य संगठन में कहीं सिंधिया समर्थकों को एडजस्ट किए जाने की बात है, इन सब चीजों पर चिंतन मंथन बड़े लंबे समय से चल रहा है और इसी के तहत सारे नेता एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं जो जिम्मेदार हैं। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सांसद हैं, वो आने वाले हैं, भोपाल उनका दौरा है, तो उनकी जो मुलाकातें हैं वो निश्चित तौर पर संगठन के जो महामंत्री सुहास भगत उनसे भी होगी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी होगी, और जो प्रस्तावित मुलाकातें हैं वो बीटी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे भी हो सकती है और मंत्री भूपेंद्र सिंह से भी है, और बाद में वो संविदा यानी संघ की जो एक कार्यालय है वो संविदा जाएंगे, वहां पर दीपक विस्पुते जी से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद सिंधिया का 10 से 12 तारीख तक ग्वालियर अंचल का दौरा रहेगा जी। ये सब कयास लगाए जा रहे हैं रम की इन सब सिंधिया के दौरे से और मुख्यमंत्री की मुलाकातों से, या चाहे बीडी शर्मा से हो या डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से हो, सुहास भगत से हो, ये सब मुलाकातें सिर्फ इसलिए है कि लंबे समय से सिंधिया के जो समर्थक हैं वो कहीं शांत हैं और उन्हें कहीं एडजस्ट नहीं किया जा रहा, संघ हो चाहे संगठन हो चाहे सत्ता हो या फिर निगम मंडल हो, तो अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब उनकी बारी है और सिंधिया समर्थकों के संगठन में, सत्ता में और निगम मंडल में एडजस्टमेंट की तैयारी है। इसी सिलसिले में सिंधिया यहाँ आ रहे हैं, बाकी सिर्फ बातें हैं, क्योंकि जो जिस तरीके से कल तुलसी सिलावट का बयान आया कि कौन नेता जो है अपने नेता, बड़े नेता को अच्छी जगह नहीं देखना चाहेगा, वो केंद्रीय मंत्री बनाए जाने पर उनका बयान था, तो केंद्रीय मंत्री बनाए जाने पर सहमति यदि होगी तो वो तो सेंट्रल का मामला हो जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ का जो राजनीतिक घटनाक्रम है भाजपा का वो अभी बड़ा सरगर्मियों भरा है और बहुत सारे लोग, विपक्षी हों या पक्षी हों या मीडिया हो, सभी के पास अभी सिर्फ यही सवाल है कि आखिर चल क्या रहा है भाजपा में। जी बहुत शुक्रिया महीन विश्वकर्मा जी पूरी जानकारी के लिए यहाँ पे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से सिंधिया मुलाकात करेंगे, सीएम शिवराज से भी मुलाकात कर सकते हैं और संघ कार्यालय में दीपक विस्पुते से भी चर्चा करेंगे।